वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली 16 मार्च को जो शिक्षक परीक्षा थी 15 और 16 को, 16 मार्च की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा जो है रद्द कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि बीपीएससी TRE 3.0 में इनका परीक्षा कैंसिल हो गया है। अब जो है 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही कम है। कम होने के कारण क्या है कि कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी, तो 1 to 5 की लॉटरी लग गई। वो कैसे, मैं आपको A to Z जानकारी के साथ देने वाला हूँ। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा और इस चैनल के साथ नहीं जुड़ गए तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। निश्चित हुए लाल बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी। देखिए फ्रेंड्स, सिंपली हम आ गए बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर और कल 6 तारीख था और देर रात जो है यह अपडेट निकाल के सामने आया था, जो कि रिवाइज्ड किया गया है। जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम है वह 15 और 16 मार्च था, जिसको मतलब हटाकर 1 to 5 क्लास 6 to 8 को जो है रीशेड्यूल कर दिया गया है, वह अब 15 तारीख को कर दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 15 तारीख को ही, 15 मार्च को ही सब एग्ज़ाम हो जानी है। 9:30 से 12 बजे जो है गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू और 6 to 8 का सभी विषयों के लिए हो जाएगा, और दोपहर में 1 to 5 के सभी विषयों के लिए होगा। तो इस कंडीशन में जो है आप अपना एडमिट कार्ड जो है 7 तारीख को निकाल सकते हैं, जो 15 तारीख के एग्ज़ाम होने वाली है। और तो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल थे, वो एडमिट कार्ड जो है आज किसी भी वक्त जारी कर सकते हैं। आज 7 तारीख है और आज से एडमिट कार्ड जारी होना स्टार्ट हो गया है। वो कैसे चेक करना है मैं आपको फिर से चलता हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे बैक आ गए, बैक आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे बीपीएससी ऑनलाइन अप्लीकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस के सामने आएगा। आने के बाद में यहाँ से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप यूज़र नेम और पासवर्ड अपना दीजिएगा। देने के बाद में यहाँ पर कैप्चा फिल कीजिएगा। जैसे मैं अपना कैप्चा फिल कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कैप्चा जो है फिल कर लेना है, ठीक है। कैप्चा फिल करने के बाद में आपको क्या करना है, ऊपर साइड में ही दिख जाएगा। अभी थोड़ा मेरा इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड दिख जाएगा। वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड जो है प्रिंट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका एग्ज़ाम सिटी कहाँ मिला, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पर यह है, कट ऑफ बहुत ही कम जाने का संभावना, इसलिए मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि संख्या जो है बहुत ही कम है, ठीक है ना। स्टूडेंटों की संख्या बहुत ही कम है, जिसके कारण जो है 1 to 5 की कट ऑफ जो है कम जाने का संभावना है, और 11 to 12 के कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। तो 6 to 8 और 9 to 10 के कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांसेस है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या जो है एक स्टूडेंट पर लगभग 8 से 9 स्टूडेंट जो है फाइट कर रहे हैं, और बाकी जो भी है 1 to 5 हो या 11 to 12 हो, मतलब पहले की तुलना में जो TRE 1 और TRE 2 हुआ था उसमें जितना कंपटीशन था उससे भी कम यहाँ पर यह है। 1 to 5 वालों के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि वहाँ पर सुनहरा ऑफर है, क्योंकि नए सेशन वाले कोई भी स्टूडेंट नहीं आए हैं। जो भी है वो TRE 1 में, जो जिनका नहीं हो पाया होगा, TRE 2 में जिनका नहीं हो पाएगा, वही लोग यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए होंगे। और साथ ही साथ एनवाइस डीलेट वाले जितने स्टूडेंट थे सबको बाहर कर दिया गया है। एनवाइस डीलेट वाले स्टूडेंट जो है एलिजिबल नहीं थे फॉर्म भरने के लिए, इसीलिए उनको जो है फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया है, और बीएड वालों को भी मौका नहीं दिया गया है। तो इस कंडीशन में जो है कट ऑफ कम जाने के चांसेस है। थोड़ा मास्टरमाइंड दिमाग लगा के आप एग्ज़ाम दीजिए और एग्ज़ाम आपका 100% क्रैक होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलो तो लाइक कीजिएगा, किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए इस वीडियो में तय रखते हैं, फिर मिलता है एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।